वीआईबी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल एग्जाम के बारे में। तो जिन जो दोस्त अभी सीजीएल एग्जाम की वेट कर रहे हैं, तो आज इस पूरे वीडियो में हम उस चीज को लेके कवर करेंगे। तो आप जैसे कि जानते ही है, सीजीएल का जो एग्जाम था वो 15 सितंबर। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं hindi.eglsm.com की वेबसाइट पर हूँ, या आप देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट पे डाटा निकाला है। जो लोग एसएससी सीजीएल की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं पेपर होने की, और पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जैसे कि पहले जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, उसके हिसाब से जो आवेदन होने वाली तारीख थी वो थी 15 सितंबर, और अंतिम तारीख निकाली गई थी 15 अक्टूबर की, और परीक्षा घोषित की जाएगी, ये सब चीजें बताई गई थी। वहीं अभी देखा जाए 3 नवंबर 2020 को, तो काफी अध्यापक है जो अभी खुद कंफ्यूज है कि उनको नहीं पता कि कभी कब इसका एग्जाम होने वाला है कब नहीं। तो मैंने एक वेबसाइट और सर्च की है जिसका है ibtindia.com, जिसमें नया जो अपडेट हुआ है, अपडेट होके जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है 2020-21 का, उसकी डेट आ गई है जो कि है 21 दिसंबर 2020 की, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 21 दिसंबर 2020 तक, और एप्लीकेशन आप 25 जनवरी तक आप भर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। वहीं इसका जो एग्जाम डेट रहेगा वो रहेगा 29 मई से 7 जून के बीच में, और टायर 2 टायर 3 का एग्जाम आपको बता दिया जाएगा जब टायर 1 का एग्जाम पूरा हो जाएगा। तो ये थे अभी तक की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो उम्मीद है कि 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और हमें वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जो लोग अभी जॉब्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको अभी 1 महीना और मिला हुआ है तैयारी करने के लिए, और इस वीडियो में मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सी आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन सी जॉब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए इसमें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जॉब के चक्कर में, ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पर, आप दूर हो जाए, मतलब वंचित हो जाए। तो पहली पोस्ट जो है वो देखिए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। तो ये तो नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है जिसमें 500 की वैकेंसी खाली है लगभग, तो आप ये भर सकते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ आए तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG, इसकी कोई पोस्ट खाली नहीं है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस DOPT, यहाँ पर आपको मिलेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब मिलेगी, जो कि 127 वैकेंसी है, तो अधिकतर लोग इसी में भरेंगे, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अभी। वहीं पर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर सकते हैं, यह आपके लिए प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपकी इंटेलिजेंसी और मैथ्स में अच्छी पकड़ है तो आप इसको डेफिनेटली एक बार भर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मेरी तरफ से यह रहेगा, आप ये भरिए। वहीं आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, यह आपको रेलवेज डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा इसमें जॉब, तो इसकी 42 पोस्ट है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और वहीं आप एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ आए तो वहाँ पर भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 77 पोस्ट खाली है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स में जिन बच्चों का और जिन स्टूडेंट्स का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिनका पकड़ है, वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। आपको जब रिक्रूटमेंट के लिए पूछा जाता है तो 3 पोस्ट आपको भरनी होती है उसमें, तो पहला प्रेफरेंस आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का रहना चाहिए, वहीं दूसरा आप एक्सटर्नल अफेयर असिस्टेंट ऑफिसर का। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी नीचे और आइए अभी बहुत पोस्ट है इसमें। वहीं आइए तो AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसकी 81 पोस्ट खाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। वहीं देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स असिस्टेंट 9 पोस्ट, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स असिस्टेंट 1 भी नहीं है। वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन,
तो ये वाली पोस्ट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोस्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको मिलेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, और केवल 13 ही पोस्ट आपको अवेलेबल है। तो अवॉइड वहीं पे आइए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अधिकतर जो होता है इसमें सीजीएल के एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ज्यादा गलती क्या कर जाते हैं, वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का डालते ही डालते हैं, उनकी दिलचस्पी इसमें सबसे ज्यादा रहती है। तो ये आपको इसमें काफी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, और फर्स्ट प्रेफरेंस भी लोगों का यही रहता है अधिकतर उसमें। तो मैं तो कहूँगा इसको आप अवॉइड करिए। अगर आपने बीकॉम कर रखी है और अच्छी पकड़ है आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड और मैथ्स में, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करिए और आपको ये वाली पोस्ट मिल सकती है। लेकिन देख के थोड़ा, 208 ही पोस्ट है इसमें। तो वहीं पे आप आएंगे तो 12वीं जो पोस्ट है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC की। इसमें आपको मिलेगी इंस्पेक्टर की, सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर आप बनेंगे इसमें। तो इसमें पोस्ट काफी है, 2169 के आसपास है। तो आप इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट में काफी बच्चों का होने का चांसेस भी है, तो ये आपके लिए प्रेफरेंस रहेगी। और वहीं आप आइए 13वीं पोस्ट पर, तो वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, 201 पोस्ट। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC, इंस्पेक्टर एग्जामिनर 123, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर 70 पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर 57 पोस्ट। एक याली पोस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंसी में नहीं जाना चाहते वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सब इंस्पेक्टर का 57 पोस्ट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप आए तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPM, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि 47 वैकेंसी खाली है इसमें। वहीं आप आइए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इंस्पेक्टर की पोस्ट 31, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इन सबके ये पांच छह डिपार्टमेंट है, इन छह डिपार्टमेंट के असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी आपको, उसमें 16 वैकेंसी अभी खाली है। वही हमारे 20वीं पोस्ट की तरफ, 20वीं लिस्ट पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसमें असिस्टेंट या सुपरिंटेंडेंट का काम मिलेगा, 16 पोस्ट रहेगी। ये अधिकतर लोगों के लिए काम आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डिविजनल अकाउंटेंट की जो पोस्ट रहेगी, वहीं 400 पोस्ट ये खाली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें कोई पोस्ट खाली नहीं है। वहीं पर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, 265 पोस्ट खाली है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकेंड, 840 वैकेंसीज आर अवेलेबल। वहीं आप आए तो सीधा मैं आपके पास 27वीं पे आ जाता हूँ, ऑफिसेज अंडर कंट्रोल, जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट, 509 पोस्ट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, 769 पोस्ट। अकाउंटेंट की जॉब है ये, आप भर सकते हैं, जो बीकॉम होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत प्रायोरिटी होनी चाहिए ये। तो और आते हैं 30वीं लिस्ट की तरफ, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, 99 पोस्ट। ये बीकॉम होल्डर्स और ग्रेजुएशन एमकॉम जिन्होंने कर रखी है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रहेगी, ये रहेगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, टैक्स असिस्टेंट बनेंगे इसमें आप, और 1456 की वैकेंसी खाली है। वहीं CBT CBIC का ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, टैक्स असिस्टेंट 429, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स 2432 पोस्ट। तो
ये है लिस्ट, यहाँ पर तकरीबन 8582 पोस्ट यहाँ पर खाली है। और अगर हम इस वेबसाइट के थोड़ा नीचे आए तो नीचे और भी दी हुई है, जिसमें है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट की पोस्ट 6, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स असिस्टेंट की पोस्ट 3, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 5, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 1, इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 7। तो टोटल पोस्ट इसमें 13 खाली है। और चलिए आइए नीचे देखते हैं। तो टोटल ये डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं पोस्ट कोड के साथ। तो इन पोस्ट में आपके 16 टोटल खाली है, जिसमें है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1 पोस्ट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स 2 पोस्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 4 पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस 5 पोस्ट, एमओ टेक्सटाइल्स 2 पोस्ट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट होगी आपकी 16। उसी के नीचे आप पाएंगे तो डिपार्टमेंट वाइज आपको कैटराइज किया गया है। तो आप इस वेबसाइट पे आगे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन भी इसमें आपको दी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपको ऊपर की पोस्ट बताई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड, तो उसमें तो आपको क्वालिफिकेशन जो रहेगी उसमें आपको ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट मिलेगी, और वहीं पर नॉन एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ये आपकी एज लिमिट है, जो कि 30 साल की, 30 साल से ऊपर का आपका नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली सभी पोस्ट में यही है कि 30 साल से किसी की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं रिलैक्सेशन भी है इसमें ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए। तो पूरा डिटेल आप इस वेबसाइट पर जो कि शिक्षा.com है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा आपको वीडियो के, वहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। और रही बात जो नोटिफिकेशन आपको 12 दिसंबर के बाद जो एसएससी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसमें अगर 21 दिसंबर, सॉरी 21 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन आपको एसएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर जाके आप अपना पूरी डिटेल्स भरिए, फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई विद्यार्थी इसमें सक्सेसफुल होंगे, और जॉब जैसे मिले प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जॉब से रिलेटेड, और कोई नोटिफिकेशन चाहिए ऐसे जॉब्स अलर्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ मैं यंगस्टर्स के लिए, और ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल तो अभी नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद आगे देखेंगे। आपका मैं सहयोग करूंगा इस वीडियो इस चैनल के साथ जितना हो सकेगा। ये था आपके सामने एसएससी सीजीएल का एक नोटिफिकेशन की डेट का रिलीजमेंट, और उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।